हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इल्म हासिल करो इंग्लिश लर्निंग चैनल। तो आज जिस स्टोरी के जरिए हम इंग्लिश सीखने वाले हैं वो है द वुड कटर एंड हिज एक्स, लकड़हारा और उसका कुल्हाड़ा। वंस अ पुअर वुड कटर लिव्ड इन अ विलेज। एक दफा एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। ही अर्नड हिज लिविंग बाय कटिंग वुड एंड सेलिंग इट इन द मार्केट। वो लकड़ियां काटकर और इन्हें बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। वन डे ही वॉज बिजी इन कटिंग अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर। एक दिन वो दरिया के किनारे दरख्त काटने में मसरूफ था। By chance, his axe fell into the river. इत्तफाक से उसका कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया। द वुडकटर कुड नॉट बेयर दिस लॉस। लकड़हारा ये नुकसान बर्दाश्त ना कर सका। एंड बिगन टू क्राई। और रोना शुरू कर दिया। सडनली एन एंजल अपीयर्ड। अचानक एक फरिश्ता जाहिर हुआ। एंड आस्क्ड द रीजन ऑफ हिज क्राइंग। और उसके रोने की वजह पूछी। द वुडकटर टोल्ड अबाउट हिज लॉस। लकड़हारे ने अपने नुकसान के बारे में बताया। द एंजल टुक पिटी ऑन हिम। फरिश्ते को उस पर तरस आया। एंड डाइव्ड इनटू द रिवर। और दरिया में गोता लगाया। ही केम आउट विद अ गोल्डन एक्स। वो एक सोने के कुल्हाड़े के साथ बाहर निकला। द वुडकटर रिफ्यूज्ड टू टेक दैट एक्स। लकड़हारे ने वो कुल्हाड़ा लेने से इनकार कर दिया। The angel dived again. फरिश्ते ने दोबारा गोता लगाया। And this time brought out a silver axe. और इस दफा चांदी का कुल्हाड़ा निकाल लाया। The woodcutter again refused to take that axe. लकड़हारे ने दोबारा वो कुल्हाड़ा लेने से इनकार कर दिया। For the third time the angel brought an iron axe. तीसरी दफा फरिश्ता एक लोहे का कुल्हाड़ा निकाल लाया। The woodcutter cried happily. लकड़हारा खुशी से चिल्लाया। That it was his axe. के यही उसका कुल्हाड़ा था। The angel was so pleased with his honesty. फरिश्ता उसकी ईमानदारी से इतना खुश था। That he gave all the three axes to him. के उसने उसे तीनों कुल्हाड़े दे दिए। Moral. नतीजा। Honesty is the best policy. दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Have a happy day or evening there. See you.